एक नया इंसान को कहाँ से कंप्यूटर खोलना है, कहाँ से बंद करना है, एक पॉइंट की चीज है। लोग नया खरीद के नया खरीद के लिए आते हैं, मालूम नहीं रहता, मालूम नहीं रहता कहाँ बंद करना, नहीं बंद करना है, सही। तो लेके ओली जहाँ तहाँ अपना करते रहते हैं और जहाँ भी आप क्लिक कर देते हैं, तो वो चीज के लिए इम्पोर्टेंट बात है ये। हाँ, ये बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। जैसे कि ये हमारा कंप्यूटर बंद है, अभी मैंने खोला, तो किसी भी लैपटॉप को या सिस्टम को अगर आप खोलेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कीबोर्ड होता है, ये माउस होता है टचपैड, स्क्रीन होता है, इसके अंदर बैटरी लगी होती है, एक पावर सप्लाई भी होता है हमारा यहाँ, जैसे कि पावर लगा होता है। तो चलिए ठीक है, ये तो अपनी जगह हो गया, लेकिन आप सबसे पहले ऐसा सिग्नल देखेंगे, आप देखेंगे एक तरह का एक गोल सा होता है, उसमें ये होता है, ये यूनिवर्सल स्विच का सिंबल है। आप कहीं भी स्विच देखेंगे तो उसमें इस तरह का सिंबल होगा ही, एक गोल बना होता है ऐसे और उसके ऊपर ऐसे। तो जैसे ही आपने स्विच को दबाया तो आपका वहां पे लाइट जलेगा और वो स्टार्ट होगा। तो सबसे बड़ी चीज है सिस्टम को चलाने के लिए कि आप प्रॉपर स्विच दबाएं। कई बार आप अपने कंप्यूटर पे जाते हैं, जैसा कि आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, जैसा कि आप आए लिखे, आपने देखा एक स्विच यहाँ है और एक छोटा सा है, इसको रिसेट बटन कहते हैं और इसको स्विच कहते हैं। तो स्विच को ऑन करने के लिए होता है पावर ऑफ ऑन, और एक होता है रीसेट। जैसे कि कंप्यूटर आपका हैंग कर जाता है तो हम क्या करते हैं, बीच में कोई ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है, माउस हमारा क्लिक नहीं कर रहा है, जैसा कि आपने इस सिस्टम में देखा, इसमें भी होता है उसी तरह से, एक मेन स्विच है और एक रिस्टार्ट है। तो क्या होता है, रिस्टार्ट क्या करता है कि आपके सिस्टम को जब हैंग कर जाता है तो हमको कुछ समझ में नहीं आता, तो हमको पावर बंद नहीं करना है, रिस्टार्ट के बटन को दबा देना है, फिर से कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। तो वो होता है रिफ्रेश करने का। जैसा कि आप फिर आते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि आपने स्विच ऑन किया, अब हमारे पास सिस्टम ऑन हो गया है। अब यहाँ से हमने क्या किया, इसको पासवर्ड लगा रखा है, तो आप अपने सिस्टम में पासवर्ड भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लगा रखा है। तो अब यहाँ से हम इसको खोलते हैं, पहले पासवर्ड डालेंगे, जैसे मैंने डाल रखा है। अब यहाँ से हमने स्टार्ट किया, अब ये मेरा सिस्टम स्टार्ट हो गया। सबसे पहले एहतियात है, इसको डेस्कटॉप बोलते हैं। सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारा जो दिस पीसी है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इसके अंदर हम लोग जाते हैं, हमको कहीं भी कुछ करना नहीं है। सबसे पहले हम दिस पीसी में जाएंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास कितना हार्ड डिस्क है, क्या बैकअप है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर है। तो कई बार हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि हम कंप्यूटर चलाएं कैसे, तो सबसे पहले हम लोग दिस पीसी में जाएंगे और ये समझेंगे कि इस कंप्यूटर के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। और नहीं, अगर वहाँ से नहीं समझ सकते हैं तो आप यहाँ से भी समझेंगे, स्टार्ट बटन में जाएंगे, स्टार्ट बटन में जाएंगे, आपको सारे सॉफ्टवेयर लिखे आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, जैसे कि आपको कुछ टाइप करना है तो आप क्या करेंगे, एमएस ऑफिस पे जाएंगे। तो सबसे पहले किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए एमएस ऑफिस में जाएंगे, तो यहाँ हमारे पास कौन सा एमएस ऑफिस है, आप नीचे जाइए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस गए, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाने के बाद फिर हमको यहाँ पे वर्ड मिलता है। बच्चे कई बार बोलते हैं हमको कुछ टाइप करना है, कुछ लिखना है, तो आप एक एमएस ऑफिस बहुत काम का चीज़ है, जिससे आप कुछ लेटर लिख सकते हैं, कुछ भी आप बनाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट स्कूल में, कॉलेजेस में, या अपने घर में कुछ, तो वो आप करने के लिए ये खोल सकते हैं। खोलने के बाद इस कीबोर्ड का अपना इस्तेमाल करिएगा और इससे आप टाइप करेंगे, जैसा कि अभी ये खुल रहा है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये होता है कि आप इससे नए नए डिज़ाइन भी बना सकते हैं, बच्चे अपने प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। तो एक कंप्यूटर चलाने वाले के लिए छोटा मोटा चीज़ सबसे पहले आप ये स्टार्टिंग करके सीख सकते हैं। खुल गया, अब यहाँ से आप क्या करते हैं, जैसे कलर भी ले सकते हैं, जैसा कि अभी मैं लिख रहा हूँ कंप्यूटर, ठीक है। अभी मैंने यहाँ से लिखा COMPUTER, कंप्यूटर लिखा। अब बच्चे लिखते हैं, अब वो चाहते हैं कि चलो जी हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसका डिज़ाइन चेंज करना है, जैसे मैंने अभी रेड कलर कर लिया इसका। तो ये क्या करता है कि कलर चेंज करेगा, फिर इसका फॉन्ट भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, तो बच्चे को बहुत मज़ा आने वाला है, वो फॉन्ट भी चेंज कर लेंगे, उसका कलर भी चेंज कर लेंगे, उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अब इस तरह से कंप्यूटर लिखा गया, तो यहाँ से हम उसका तरह तरह का डिज़ाइन बना के फिर हम क्या करते हैं, फाइनली कंप्यूटर में सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, उसको सेव नहीं करते हैं। अभी मैं सेव कर रहा हूँ, काम तो हो गया लेकिन हमारा सेव नहीं हुआ, तो अब फाइनली हम सेव कर रहे हैं उस चीज़ को जो मैंने लिखा। अब कंप्यूटर के नाम से मैं सेव कर रहा हूँ, अब जब सेव करूँगा तो ये पूछेगा कि कहाँ सेव करना है, तो हमने क्या करना है, डेस्कटॉप पे सेव कर देना है। कंप्यूटर फाइल का नाम क्या हो गया, कंप्यूटर
सेव एज टाइप वर्ड, वर्ड डॉक्यूमेंट है और डेस्कटॉप पे किया मैंने, इसीलिए डेस्कटॉप यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ से सेव कर दिया। अब ये फाइल हमारी परमानेंट सेव हो गई। तो ये रहा आपका चलाने का एक तरीका। अब मैं इसको बंद करूंगा या मिनिमाइज कर दूंगा। चलिए मैंने मिनिमाइज किया, और मिनिमाइज करने के बाद अब हमारे को कंप्यूटर वाला यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपको कंप्यूटर फाइल आ गया होगा। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, कंप्यूटर वाला को सर्च मार लेना है, सी टाइप करना है। देखिए आपके पास सी से जो भी फाइल होगी वो सब दिख रहा है, कॉन्फ़िगरेशन। देखिए कंप्यूटर फाइल ये था जो मैंने बनाया था। अब मैं इसको ओपन करूंगा, है ना। तो ये देखिए मैं खोल रहा हूँ, फाइल का नाम कंप्यूटर था, वर्ड फाइल था, अब ये यहाँ से खुल गया। ये एक तरीका हुआ छोटा मोटा करने का। इसी तरीके से जब हम कंप्यूटर को चलाते हैं तो तरह तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एमएस ऑफिस होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, उसी तरह से ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा भी होता है जो वीडियो एडिटिंग के लिए काम आता है, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो डिजाइनिंग के लिए आता है, बड़ी बड़ी चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए। तो फर्दर अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो हमारा इंस्टीट्यूट भी चलता है, आप इंस्टीट्यूट से भी संपर्क कर सकेंगे, तब आप आकर के हमारे यहाँ पढ़ भी सकते हैं। और आपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है या कोई भी एरर आता है, या हार्डवेयर से रिलेटेड हो या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो या नेटवर्किंग से रिलेटेड, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7707002010 पे। और आप यहाँ आ भी सकते हैं मिठनपुरा, आदित्य विजन, नियर आदित्य विजन मिठनपुरा, ईवी स्टार मार्केट में, रैंक कंप्यूटिंग जी। कोई इंसान इस वक्त अभी कम से कम में एक लैपटॉप या कंप्यूटर का क्या कॉस्ट पड़ रहा है जी? अभी अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, अगर अच्छे कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप लेना चाहते हैं लैपटॉप, तो लैपटॉप सबसे बड़ी बात है कि आप यूज़ क्या है इस पे डिपेंड करता है। अगर एक नॉर्मल यूजेज है, i3 प्रोसेसर लेते हैं, 8GB रैम लेते हैं और SSD लेते हैं 256, तो आपको कम से कम भी 42,000 रुपये पेमेंट करना होगा। 42,000 में आपको एक अच्छा कॉन्फ़िगरेशन i3 में 8GB रैम और 256GB SSD के साथ आपको अच्छा लैपटॉप मिल सकता है। आप इसके ऊपर भी जा सकते हैं, बट ये मिनिमम है। इसके बाद आप i5 भी ले सकते हैं, i7 भी, एक प्रोसेसर है, तो उससे नहीं है, आपका यूजेस क्या है। कई बार लोगों का ग्राफिक्स का यूज़ होता है, जैसे कि आपको कुछ डिज़ाइनिंग बनाना होता है या अच्छी क्वालिटी का वीडियोस क्रिएट करना पड़ता है या उसको एडिटिंग करना है शादी की, या फिर आपको बड़ी बड़ी पिक्चराइजेशन वीडियो को आप मॉडिफाई करके उसको अच्छा क्वालिटी देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फिर ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे लैपटॉप में 2-4GB आप ग्राफिक्स वाला बढ़ाएंगे, तो जैसे ही ग्राफिक्स बढ़ाएंगे तो रेट भी बढ़ेगा, तो इस तरह से आप रैम भी बढ़ाएंगे, कुछ चीज़ें और भी बढ़ाएंगे तो रेट भी उसी तरह से इंक्रीज करता चला जाएगा। तो स्टार्टिंग आप एक अच्छा लैपटॉप i3 में आप ले सकते हैं, 42,000 से 43,000 या 40,000 तक भी अच्छा लैपटॉप मिल सकता है आप, जिसमें आप इंटेल प्रोसेसर लें। AMD उससे कम रेट का होता है, लेकिन इंटेल प्रोसेसर होता है तो उसको थोड़ा अच्छा माना जाता है, ये सारी चीज़ें।